हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू इंदौरी मोटरोड्स। आज हम बताने जा रहे हैं 5 रीजंस टू बाय बुलेट X350। 5 ऐसे रीजंस जिनके कारण आप दूसरी गाड़ी ना लेते हुए रॉयल एनफील्ड की बुलेट X350 को लें, ऐसे हम रीजंस आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बीच में से स्किप मत करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको क्यों अच्छी लगती है बुलेट X350, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले रीज़न की तरफ, जो है चीपेस्ट रॉयल एनफील्ड बाइक, जो कि बुलेट X350 है। ये रॉयल एनफील्ड की लाइनअप में सबसे चीपेस्ट बाइक है, आपको अवेलेबल हो जाएगी अप्रॉक्स 1.12 लाख में। तो ये काफ़ी मतलब इस प्राइस पॉइंट में जो वैल्यू प्रोवाइड करती है वो दूसरी बाइक के शायद नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम थिंग्स प्लास्टिक को अवॉइड करा गया है इसमें। इस प्राइस पॉइंट पे आपको आइकॉनिक कंपनी रॉयल एनफील्ड की तरफ से बाइक मिलना काफ़ी बड़ी बात है। इस प्राइस पॉइंट में हमें जनरली 150 टू 200 सीसी की बाइक मिलती है, उसमें रॉयल एनफील्ड हमें 350 सीसी की बाइक प्रोवाइड कर रहा है, तो ये अपने आप में एक रीज़न हो सकता है बाय करने का बाइक को। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड रीज़न की तरफ, जो है रॉक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सॉलिड है, हर चीज़ मेटल की रखी गई है, इसमें प्लास्टिक और फाइबर पार्ट्स को अवॉइड करा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का तो शुरू से रहा ही है कि उसमें मेटल पार्ट्स का ज़्यादा यूज़ करा गया है, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग रहती है, मतलब एकदम कुछ क्रैक्स वगैरह नहीं आते, थोड़े बहुत माइनर एक्सीडेंट्स वगैरह पे, तो रॉक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी रखी गई है, ये इसका दूसरा रीज़न से बाय करने का। तो अब चलते हैं इसके तीसरे रीज़न की तरफ, जो है कि कंफर्टेबल बाइक है। ये रॉयल एनफील्ड एक कंफर्टेबल बाइक है, इसमें सीटिंग पोजीशन वगैरह काफ़ी सिंपल रखा गया है, जो आपका पोजीशन रहता है वो बिल्कुल सीधा रहता है, आप लीन नहीं रहते हो इसमें, तो उसके कारण आपको बॉडी पेन वगैरह बैक पेन नहीं होता है, सीट कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी रखता है रॉयल एनफील्ड, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल बाइक हो जाती है। आजकल के ज़माने में जैसा कि हम देख सकते हैं बाइकों को काफ़ी एग्रेसिव स्टांस दिया जाता है, तो उसके कारण कम्फर्ट ख़त्म हो जाता है, पर रॉयल एनफील्ड शुरू से अपने स्टांस को सही रखा है और बाइक में काफ़ी कम्फर्ट रहता है। आप चाहे राइडर की बात करें या पिलियन की बात करें, दोनों कम्फर्टेबली बैठते हैं बाइक पे। तो ये इसका थर्ड रीज़न था। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ रीज़न की तरफ। तो फोर्थ रीज़न है फील ऑफ राइडिंग एंड रॉयल बाइक। ये बाइक रॉयल एनफील्ड जो भी चलाता है उसे एक रॉयल बाइक चलाने का फील आता है। आप कितनी भी दूसरी महंगी बाइक चला लो, पर एक जो रॉयल एनफील्ड का फील है वो सिर्फ अपन लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसको, जो ट्रू रॉयल एनफील्ड के लवर्स कह सकते हैं इन्हें, अब वही कनेक्ट कर सकते हैं इसे, कि जो रॉयल एनफील्ड चलाने का फील है वो किसी और गाड़ी में नहीं। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 200 सीसी की बाइकें 250 सीसी की बाइकें बेच के फिर रॉयल एनफील्ड पे चले गए, बोले फील नहीं आता था हमें दूसरी गाड़ी चलाने में। तो ये एक बात है, ये जो बाइक में फ़ील आता है ये दूसरा फील किसी और बाइक में नहीं आ सकता। तो ये इसका फोर्थ रीज़न था कि फील ऑफ राइडिंग दिस रॉयल बाइक। तो अब चलते हैं इसके फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है इसका रिलायबल इंजन। जो रॉयल एनफील्ड इंजन प्रोवाइड करती है वो काफ़ी रिलायबल है, 350 सीसी इंजन होने के बाद भी वो एक रिलायबल है, उसका माइलेज वाइलेज भी काफ़ी अच्छा जाता है, 35 से 40 जो दे देती है, और 350 सीसी होने के बाद भी वो बहुत अच्छी बात है देखा जाए तो। और इसका इंजन जैसा कि अपन देखते हैं कि जो 19th सेंचुरी की बाइक रहती है वो भी कई बार बहुत अच्छी कंडीशंस में रहती है, तो उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इसका इंजन काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है इसका इंजन। तो ये था इसका फिफ्थ पॉइंट कि रिलायबल इंजन देती है बाइक। और वैसे तो वीडियो में 5 पॉइंट्स भी बनाने वाला था, पर इसका एक और पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो तो आप सबको पसंद ही होगा, कि वो है इसका साउंड। जो बाइक की ये साउंड प्रोवाइड करती है, जो साउंड ये निकालती है इसके इंजन से, इसके साइलेंसर से, वो बाइक कोई सी और बाइक निकाल ही नहीं सकती ऐसा साउंड, इतना प्यारा साउंड। ये साउंड मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो उस बाइक को ले लेते हैं जो ये डुक डुक साउंड निकालती है, उस साउंड के लिए लोगों ने बाइक खरीद लेते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए गुड बाय।